नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरिया में बजयुमो जिलाध्यक्ष अंचल राजवाड़े ने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक तालाब निर्माण में धोखाधड़ी का ये मामला है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि गबन का उनके ऊपर आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि एक दर्जन धाराओं में बजयुमो जिलाध्यक्ष समेत बैंक कर्मी, उद्यानिकी विभाग कर्मचारी और अन्य पर यह मामला दर्ज किया गया। कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने जिला पंचायत सीओ नर्मदा जैन से इस मामले में जांच भी कराई थी। कलेक्टर ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज भी किए थे और इसके निर्देश भी दिए गए थे। तो अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां मस्तूरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2013 से ही सक्रिय युवाओं में लोकप्रिय कांग्रेस जनप्रतिनिधि जयंत मनहर इस बार भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि उनका संपर्क संजीव है और जहां मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी अवसर हो, उत्सव हो, इनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर देखी जाती है। प्रदेश में चल रहे आरक्षण कटौती और गतिरोध पर उनका कहना था कि समाज बराबर आकलन कर रहा है और भूपेश सरकार पर भरोसा भी कर रहा है और न्याय सबके साथ समान हो रहा है। भूपेश सरकार की नीयत नीति बिल्कुल स्पष्ट है और जनता के प्रति बहुत जागरूक है। उन्होंने सबका ख्याल रखते हुए आरक्षण को नीति लागू की, सबको बराबर आरक्षण दिया। 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया, 13% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया, 27% OBCs को दिया और 4% जैसे प्रदेश में जनसंख्या उस हिसाब से सवर्णों को दिया। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही निर्णय है। तो धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत अज्ञात कारणों से एक हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि गिरसा बीट के बैगन झरिया के पास हाथी का शव मिला। वहीं सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंच गया और आगे की कार्रवाई भी जुट गई है। आपको बता दें कि दंतेल हाथी की मौत किन कारणों से हुई है यह फिलहाल नहीं पता चल पाया है। हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए और विभागीय जांच होने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार हाथी की मौत किन कारणों की वजह से हुई थी। धर्मजगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत गेरसा के बैगन झरिया में एक नर हाथी की मौत हो गई है। मौत की वजह फिलहाल अज्ञात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों की भीड़ है और वन अमला भी मौके पर मौजूद है। यहाँ हाथी की मौत हुई है। हाथी का शव पड़ा हुआ है जिसे वन विभाग के वन अमला मौके पर मौजूद हैं और देखरेख में लगे हुए हैं। यहाँ यह बता दें कि धर्मजगढ़ वन परिक्षेत्र कुल मिलाकर हाथियों का रहवास क्षेत्र हो गया है। यहाँ हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। इसी तारतम्य में आज ये ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि आज रात को इस नर हाथी की मौत हुई होगी, लेकिन मौत की असल वजह फिलहाल अभी अज्ञात है। हालांकि सूचना पर वन अधिकारी अभी तक मौके पर पहुंचे नहीं है, लेकिन जब मौके पर पहुंचेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फिर से एक धर्मजगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक नर हाथी की मौत हो गई है। धर्मजगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता शेख आलम जी जुड़ गए हैं। आलम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या ये पता चल पाया अभी तक कि मौत का क्या कारण था हाथी के?
जी मैं बताना चाहूंगा कि धर्मजगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत जैसा के बैगन झरिया में एक नर हाथी की, जैसा कि बताया जा रहा है, नर हाथी की मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह फिलहाल अज्ञात है और दोपहर तक, जानकारी के अनुसार दोपहर तक वन कर्मचारी मौके पर मौजूद थे हाथी के शव के पास और देखरेख में जुटे हुए थे। अभी वर्तमान मौजूदा समय की अगर बात करें तो अधिकारी कर्मचारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और अब तक हाथी की मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहना है अधिकारियों का कि हाथी के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद व वन विभागीय जांच बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत की वजह, असल वजह क्या है। फिलहाल यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वन धर्मजगढ़ वन मंडल अंतर्गत दो से तीन महीने के भीतर में चार हाथियों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आलम, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने बताया कि अभी पीछे दो तीन महीने में चार हाथियों की मौत हो चुकी है, तो क्या पिछले रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं पिछली बार भी पोस्टमार्टम किया ही गया ही होगा, तो क्या पिछली बातें कुछ सामने निकल कर आई थी कि मौत की क्या वजह है, कि ये चौथा हाथी है जिसकी अज्ञात कारणों की वजह से मौत हुई? जी देखिए, इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि दो से तीन महीने के भीतर में चार हाथियों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें एक या दो को छोड़कर अगर बात करें तो करंट से मौत होना ऐसा बताया गया है और संभवतः उसी के मुताबिक ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आज जिस नर हाथी की मौत हुई है उसकी भी मौत करंट की वजह से हुई होगी। जी बिल्कुल आलम, यहाँ पर आप लगातार लोगों से बात भी करे होंगे क्योंकि आप घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, तो इस बीच लोगों से आपने बात करने की कोशिश की, अगर आपने बात की है तो क्या कहना था लोगों का? जी देखिए, लोगों का, क्षेत्रीय स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हाथी आसपास क्षेत्र में दो चार दिनों से विचरण कर रहा था, जिसमें एक नर दंतेल हाथी अकेला क्षेत्र में विचरण कर रहा था, तो कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये बात भी निकल कर आ रही है कि प्राणियों की शिकार के लिए जो करंट प्रवाहित तार बिछाए जा रहते हैं उसी में शायद हाथी की मौत हुई होगी करंट की चपेट में आकर, ऐसा दबे स्वर में फिलहाल बात निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, मतलब ये लापरवाही भी हो सकती है क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले भी तीन हाथियों की मौत हो चुकी है जिसमें दो की पुष्टि हुई कि करंट लगने की वजह से मौत हुई। हालांकि श्री कलम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवलाली केंद्र और स्कूल ने 10 जनवरी 2023 से नई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। देवलाली कॉप्स अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए गहन परिदृश्य आधारित व्यवहारिक और प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यहां निशानेबाजी के साथ साथ सामान्य सैन्य ज्ञान, बुनियादी रणनीति में सामरिक कौशल, निहत्ते युद्ध और बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जागरूकता और संबंधित ट्रेंडों में अग्रिम सैन्य प्रशिक्षण इसके मुख्य अंग रहेंगे। अग्निवीरों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित के सफल समापन के बाद अग्निवीरों को युवा सैनिकों के रूप में प्रमाणित भी किया जाएगा। ये अग्निवीर राष्ट्र की सेवा करने के लिए बख्तरबंद कोर के विभिन्न रेजिमेंटों में शामिल होंगे। तो देवलाली कॉप्स सेंटर और स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, अग्निवीरों को यहां पर ट्रेंड किया जाएगा यहां पर अग्निवीरों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देवलाली कॉप्स सेंटर और स्कूल में ट्रेनिंग शुरू की गई है, अग्निवीरों को यहां पर 100% ट्रेन किया जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं अब देश की रक्षा में वो अपना अहम योगदान भी दे सकेंगे। तो एमसीबी जिले में जनजाति सुरक्षा मंच ने नारायणपुर आदिवासियों पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जनजाति सुरक्षा मंच के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अपने ज्ञापन में कहा है कि नारायणपुर में
धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले नागरिकों पर प्राणघातक हमले किए गए। धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं में क्षेत्रीय संकट क्षेत्र लोगों को कहीं ना कहीं संकट में डाल दिया है और जिसके कारण ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति खतरे में है, जिसको लेकर आज जनजाति मंच के महामहिम ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग भी की। आपको बता दें कि धर्मांतरण में सम्मिलित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। सभी जनजाति सुरक्षा मंत्र के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसका मुख्य विषय था कि नारायणपुर बस्तर में आदिवासियों जो हिंसा हुई है, आदिवासियों के खिलाफ जो बाहरी मिशनरी आते हैं और धर्मांतरित करते हैं, वे अचानक एक रात में हमला किए और हमारे सामान्य आदिवासी जो गरीब आदिवासी है जो समझ नहीं पाते वो उनके ऊपर हमला किए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पास आज ज्ञापन जनजाति सुरक्षा मंत्र के माध्यम से दिए हैं। जिस तरह से नारायणपुर की जो घटना हुई है मिशनरियों के द्वारा, कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज से आघात है और उसी को लेके आज हम लोग एमसीबी जिला के कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए यहाँ हमारे आदिवासी भाई और समस्त भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जिस तरह से नारायणपुर में घटना हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी जनजाति समाज के जो अंदर में घुस के मिशनरी द्वारा उनको जबरन धर्म परिवर्तन करा के भला फुसला के, चाहे शिक्षा का लालच हो चाहे स्वास्थ्य का लालच हो देकर। तो वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवरी नारायण में छात्र छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें शिवरी नारायण थाना की पुलिस और स्कूल के प्राचार्य बी के देवगन, के पी साहू, एम एस तिवारी, आर के साहू के साथ सभी शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। और मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप, अभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवरी नारायण में मौजूद हूं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ लेकर आए हैं, अवगत कराए गए हैं उस संबंध में। क्या नाम हुआ सर, परिचय बताएंगे अपन कहीं। मैं बी के देवंगन, सरकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवरी नारायण जी। आज हमारे विद्यालय में थाना शिवरी नारायण से प्रधान आरक्षक श्री रुद्र नारायण कश्यप जी जी और श्री परमानंद जी प्रहरे जी जी एवं महिला आरक्षक प्रेमा जांगड़े जी जी विद्यालय में आकर के हमारे छात्र छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी बताए और सभी अधिकतर छात्राओं को डाउनलोड भी किए। यह ऐप वास्तव में महिलाओं के लिए उपयोगी है जी। यदि किसी के साथ आपत्ति कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उस स्थिति में इस ऐप के माध्यम से सीधा 112 डायल होता है और साथ ही निकट संबंधित पास भी यह मैसेज जाता है जिससे तत्काल सहायता मिल जाती है। तो यह इंडिया जो ऐप है हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस उपयोग के बारे में सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर बताएंगे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कौन से ऐप में जाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जा करके वहाँ पे अभिव्यक्ति ऐप निकालना है जी और अभिव्यक्ति ऐप को इंस्टॉल करना है, इसके बाद तो अपलोड होगा। यहाँ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से जानकारी दी गई है शासन के द्वारा निकाले गए। क्या नाम हुआ बताएंगे किस प्रकार से जानकारी दी गई है।
एफ के बारे में बताया गया है उससे हमें आपातकालीन सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं। हम अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रेड कलर का स्टैंपल दिया है। अगर हमें कुछ भी दिक्कत है तो हमें जैसे कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना होता है तो हमें उसे टच करेंगे तो दिल्ली भी मतलब डायरेक्टली एक जो है हमारे डायरेक्ट जानकारी रायपुर में पहुँच जाएगी, वहाँ से हमें सुरक्षा प्राप्त। जी यहाँ कुछ और छात्राएं मुझसे भी जाने की कोशिश कर रही है, क्या नाम था जी, क्या कुछ जानकारी मुझे साझा करेंगे हमारे दर्शकों में? ऐप के द्वारा क्या जानकारी दी गई है ऐप के माध्यम से जी? तो छत्तीसगढ़ आबकारी मंत्री कावासी लखमा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष शांताराम नेताम आज एक दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले कावासी लखमा केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खूटपदर पहुंचेंगे और उसके बाद वो देवगुड़ी दर्शन कर सभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ बड़े राजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत कोरगांव में लोगों से मुलाकात करने पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर का भोजन का व्यवस्था भी किया गया है। तो आबकारी मंत्री का रायपुर दौरा, ग्राम पंचायत खूटपदर में संबोधित भी करने वाले हैं और इस दौरान वो लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। ये दौरा काफी हालांकि अहम भी माना जा रहा है। आबकारी मंत्री का रायपुर दौरा, ग्राम पंचायत खूटपदर में जनसभा को करेंगे संबोधित, लोगों से मुलाकात भी करेंगे मंत्री। तो आबकारी मंत्री का रायपुर दौरा ये रहेगा, ये दौरे पर हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत खूटपदर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। हम आपको ये पंचायत की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कार्यालय की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां वो रायपुर दौरे पे पहुंचने वाले हैं। दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई है, आबकारी मंत्री यहां दोपहर का भोजन भी करेंगे। ग्राम पंचायत खूटपदर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो इन दिनों तखतपुर के सतनामी समाज के लोगों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि यही कारण है कि सतनामी समाज के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताते चले कि जिसके बाद जिले के कलेक्टर के पास शिकायत करने तक यहां पहुंच गए और दरअसल सतनामी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर कहा कि तखतपुर विधायक रश्मि सिंह द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य समाज के लोगों को भी अपमानित किया जा रहा है। तखतपुर के ग्राम काठाकोनी में गुरु घासीदास की जयंती कार्यक्रम का आयोजन सतनामी समाज काठाकोनी के द्वारा रखा गया था, जहां पर मंच में सामाजिक नेता संजीव खाड़े और अन्य लोग पहले से ही मंच पर थे। तभी क्षेत्र विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पर पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतर कर किनारे के बाहर खड़े होने लगे। आरोप है कि विधायक उनके पास गई और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगी और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इससे पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में काफी गुस्सा है। हम लोग दोनों गए कार्यक्रम में और जैसे ये मंच में आई, क्योंकि इसके पहले भी हमारे बिहारी टोडर जी जो बताए हैं
ये अपमान करती रहती है, तो मैं बोला मंच में नहीं बैठते थे हम लोग, चलो चलते हैं बगल में किसी घर में बैठ लेते हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी है बगल के घर में। तो हम लोग दो तीन सरपंच के साथ जा रहे थे, जैसे मेरे को नीचे देखी, बोले कहा संजीव खांडे करके मेरे किनारे आई और ऊंची आवाज में डांटते हुए जोर से आवाज दे कि कहा मुझ छुपा के जा रहे हैं, बहुत हो गए, बहुत सह लिए, ऐसे करके मुझे ये ठोस जमा रही थी, डांट रही थी। उन्होंने 31 दिसंबर को हमारे राजा जयंती समारोह चल रही थी ग्राम काठाकोनी में, काठाकोनी में हमारे मंच में सतनामी समाज के कुछ नेता लोग वहां बैठे थे, दो तीन सरपंच लोग भी बैठे थे। रश्मि आशीष सिंह जी वहां पे मंच की ओर जा रही थी, उसको देख करके हमारे सतनामी समाज के जो नेता लोग हैं मंच से उतर कर किनारे से बाहर जा रहे थे। उनका बाहर जाने का एक ही कारण था कि रश्मि आशीष सिंह जी हमारे समाज के लोगों के साथ मंच में दुर्व्यवहार करती रही हैं। तो बिलासपुर में आज तीफरा के लोगों ने जिले के कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि बिल्डर दीपक सोनी द्वारा अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मैदान के बीचों बीच बजरंगबली की का मंदिर और टीना शेड और भवन का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है। बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शासकीय जमीन का प्रयोग खुशी होम्स कॉलोनी वाले पिछले 4 साल से कर रहे हैं और जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही आपको यहां बता दें कि 18 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायक के द्वारा रंगमंच के लिए 30 लाख रुपए घोषणा की गई थी, जबकि वो शासकीय भूमि है जहां पर बच्चों के खेलने और भवन के लिए उचित माना गया है। इसी कारण विधायक ने पैसा देने की घोषणा भी की, लेकिन बिल्डर उसे निजी भूमि समझ रहा है, जबकि वो आने जाने वाला रास्ता भी है। चार साल से परम पूज्य गुरु का जयंती मना रहा था उसमें, और जमीन शासकीय जमीन है, उसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी द्वारा रंगमंच का घोषणा किया गया 3 लाख रुपए, और दीपक सोनी द्वारा जबरदस्ती उसमें शासकीय जमीन में बेचा कब्जा कर उसमें बजरंग बलिक मंदिर रातोरा भी स्थापित कर दिया और पूरा टीना सेट कर दिया और मकान बना रहा है अवैध रूप से। 4 वर्षों से सतनामी समाज के द्वारा खुशी विहार जो जमीन था, खाली जमीन थी, वहाँ पे जयंती मना रहे थे। हमारे समाज के लोग जब इस वर्ष भी जयंती मनाना चाहे तो दीपक सोनी नाम का कोई बिल्डर है, वो जबरदस्ती वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना के इन लोगों को रातों रात और जबरदस्ती इन लोगों को मना किए कि यहाँ जयंती मनाने नहीं दूंगा, और जो झंडा लगी थी सतनामी समाज का उसको निकाल के फिंकवा दिया और दादागिरी चुड़वा वहाँ बाउंड्री वाल करके हनुमान जी का मंदिर बना के इन लोगों को धार्मिक हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाया है। तो कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा बिलासपुर ने विभिन्न विकास खंडों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। आपको बता दें कि जाति, आय, निवास और भू संबंधित अभिलेख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और शिविर से प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी भी संग्रहित कर दी गई है। वर्तमान में शिविर चल रहे हैं जहां पे जो फौज अविवादित बंटवारा ऐसे जो केसेस होते हैं जो ग्राम पंचायत स्तर और पटवारी स्तर पे निराकरण किए जा सकते हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। आज भी मस्तूरी या कहीं ना कहीं शिविर चल रहा होगा, यहाँ पे जाति प्राप्त जब पूर्व में आवेदन प्राप्त हो उनके जाति प्राप्त पत्र जारी करना, या फिर जैसे बताया कि फौज को अगर इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होती, उसमें कोई गुजर या उसके बच्चे का नाम चढ़ाना हो या आपसी बंटवारा हो, सब लोग बराबरी बंटवारा करना चाह रहे हैं अगेन अविवादित, तो वो वैसे केस चल रहे हैं जी। उसके मेरे पास कुछ फिगर भी है, अगर आप चाहेंगे तो आपको जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा